अस्सलाम वालेकुम जी एन प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शब्बीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साढ़े आला। रेडियो साढ़े आला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो तुसी ए प्रोग्राम देख रहे हो। मैं इस वेले पहुँचया होया वहाँ खिता पोठोहार की जिहड़ी है धरती है उहदे ते मौजूद हाँ। और खिता पोठोहार की धरती जिहड़ी है एज पर अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस और तवारीखदान तकरीबन 50 to 60 हज़ार साल पुरानी मनी गई है। सवा वैली सिविलाइजेशन तो गल करिए मैं कहना वा कि पोठोहार रीजन तो वद कोई भी पुराना इलाका नहीं हैगा। पोठोहार कित्थे है जी? तुसी लाहौर तो गुजरात गुजरावाला तो गुजरात तो खारियाँ जेलम दीना सुहावा और फिर उस तो अगे आते हुए मंदरा तो अगे सारा का सारा एरिया जोड़ा पैंता ये पोठोहार रीजन है जिन्हों के ब्रिटिशर ने नॉर्थ वैसट पंजाब का नाम दिता सी। असी इस वेले पुरातन जिहड़ियां बाबा बोर्ड है वो असी थले खलोते हुए हाँ और अमेजिंग बहुत ही सोहना तुसी अगर देखो तो बिल्कुल गार केव बने हुए ने इन्ने क ज़्यादा बने हुए ने ए कि इंसान देखता तो एक बारी देखता ही रह जाता कि इन्ना सोहना और इन्ना पुरातन। ये हैं जी बिंबर तराड़ दे जड़े ने वो पुराने बन और बोर्ड है शायद आंदे कुछ मी सालों तक तुहानू ये चीज़ा नज़र ना आन जड़ियाँ के तुहानू इस वेले नज़र आ रही ने। इधरों की दिखाओ जरा प्लीज़। तुसी देखो किस तरह मल्टीपल जड़े स्टैम ने उन्हां दे विच मैं खलोता होया वा और तुहानू मैं देख भी नहीं रहा होवांगा। हाँ जी ऐ तुसी देखो मैं बोर्ड दे विच खलोता होया वा और बोर्ड किन्ना संघना है तकरीबन 6 स्टैम्स ने वो अंदर खलोता है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मेरे नाल ही एक पानी की बन भी है असी तुहानू पानी की बन विखाने हैं जी। जी तो बिंबर तराड़ जिहड़ा पिंड है पानी की बन है ये बिंबर तराड़ पिंड की जिहड़ी है वह पानी की बन है और पुरातन बन है। आपां निकले सी अज हिस्टरी दे कुछ पन्ने लैके लेकिन बहुत ही वधिया वधिया चीज़ां जिहड़ियां ने सानू नज़र आ रही ने इत्थों। कह लो तुसी कि रेनी सीजन दे पानी जिहड़ा वो कट्ठा हुंदा सी और अज भी पानी जिहड़ा वो कट्ठा हुंदा है और लोग जिहड़े ने इहदे तों पानी लैके अगे अपने जानवरों नूं या कपड़े धोण वास्ते या कह लो तुसी के होर कम्मां वास्ते इस्तेमाल करते हैं। फैडरल गौरमेंट का इस्लामाबाद जिहड़ा है उहदे एक स्कूल भी जिहड़ा है बच्चों का वो तुसी देख सकते हो वो मौजूद है। ठीक है जी ये बड़ा कह लो तुसी के अद्भुत नज़ारा है तुहानू दो बन्ना पानिया दियाँ दो नज़र आ रहे ने बोर्ड स्कूल दे बाहर ने और एक जड़ा अंदर है ये है जी वहाबुद्दीन शहीद मॉडल स्कूल बिंबर तराड़। बिल्कुल जी असी इस वेले पहुँचे हुए हैं बिंबर तराड़ और उस तो बिंबर तराड़ दे विच सब तो जी वधिया चीज़ है वो है आलमी जंग। ब्रिटिश राज जदों शुरू हुंदा है उहदे विच दो जंगा लगदियां ने जिहड़ियां कि आलमी जंगा बन जांदियां ने जिहड़ी कि जंग पंजाबियां दी जंग नहीं सी जिहड़ी कि जंग जिहड़ी सी हिंदुस्तान दी नहीं सी लेकिन उहनूं लड़न वास्ते मजबूर कीता गया सानूं और फिर उस तो बाद सानूं विरसे च की मिले ए पत्थर पत्थरां दे उत्ते लिख के ला दिता गया इस पिंड चो 25 लोग गए इस पिंड चो 30 लोग गए तो बिंबर तराड़ दे विचों भी अगर देखा जाए तो उस वेले शहीदियां प्राप्त करने वाले 25 जवान जड़े ने उन्हां दा जिक्र किया गया ब्रिटिश गौरमेंट वालों उत्ते लिखा है बिंबर तराड़ और नाल लिखा है फ्रॉम दिस विलेज
25 men went on to the Great War 1914 to 19, मतलब कि 5 साल जारी रहने वाली, ठीक है जी, ऑफ दीज 4 केव अप देयर लाइफ्स, मतलब कि ब्रिटिश राज नूं बचाण वास्ते की कहिंदे ने कि असी पंजाबी उस वेले की दीवाने होए बैठे सां कादे च कि ब्रिटिश अंपायर नूं बचाण वास्ते। उस वेले तां ब्रिटिश राज सी, लाजमी गल है कि जिहदी लाठी है उहदी भैंस है, वार ऑफ सक्सैशन है। तो इस तरह करके हुए लोगों नूं उस वेले इस चीज़ का तो पता नहीं सी है, क्योंकि उस वेले यूनाइटेड इंडिया सी, यूनाइटेड हिंदुस्तान सी, भारत सी, ते उस वेले ब्रिटिश राज जिहड़ा सी ब्रिटिश इंडिया सी और ब्रिटिश आर्मी का उस वेले राज सी। सो वो अपने आप नूं एक्सटेंड करते हुए, अपने राज नूं एक्सटेंड करते हुए उन्होंने जिहड़ा लोगों दीआं जानां दे नजराने जिहड़े ने ओ ले, और फिर उस तो बाद मैं जिस तरह के कहा तुहानूं कि सानूं की दिते गए, सिर्फ ए मोनूमेंट्स दिते गए और पत्थर दिते गए। कुछ लोगों नूं ग्रेजुएटिस मिलियां, कुछ लोगों नूं लैंडस मिलियां, कुछ लोगों नूं एग्रीकल्चर लैंडस मिले, लेकिन गल है कि मरिया कौन? मरे पंजाबी पुत मामा बे, और मुल की पिया ऐ लगे हुए पत्थर। सो एनी वे, जदों जो जो दौर हुंदा, जिस जिस हिसाब नाल हुंदा, मैं तो यही कहांगा कि ये वो लड़ाई सी जिहदा कि पंजाब और पंजाबियों नाल कोई तलक नहीं सी। ब्रिटिश ने अपने राज नूं एक्सटेंड करन वास्ते, वड्डा करन वास्ते ये लड़ाइयां लड़ियां सन, और असी पराई जंगां जिहड़ियां ने वह लड़दे रहे। तुसी देख रहे हो पिंड बिंबर तराड़ इस्लामाबाद दे बिल्कुल ईस्ट वाले पासे, ईस्ट साउथ वाले पासे, कृपा चराह दे बिल्कुल नाल, गुलबर्ग ग्रीन दे बिल्कुल बैक साइड दे उत्ते, जापान रोड दे उत्ते ये विलेज है, और बहुत पुरातन विलेज है। ये नहीं है कि हुण दा विलेज है, लेकिन ये नाल ही कृपा शरीफ है, हिंदुओं का एक वड्डा पिंड हुंदा सी। फिर उस तो बाद हुण बिंबर तराड़ दी अगर तुसी तवारीख चुक के वेखदे हो तो ब्रिटिश राज तो इनू ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रावलपिंडी इत्थों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेनली तुसी कह सकते हो कि तकरीबन 25-25 किलोमीटर जिहड़ा है ना रावलपिंडी है इत्थों। लेकिन गल है कि यूनाइटेड पंजाब की गल कर रहे हैं कि इस पिंड दे विचों 25 लोग जिहड़े ने उन्होंने अपनी जान दे निशाने कादे वास्ते पेश कीते, वर्ल्ड वॉर जिहड़ी कि 5 साल तक जारी रही, 1914 तो लैके 1919 दे तक, ठीक है जी। तो फिर हाज़र होने असी किसी होर जगह दे नाल और किसी होर मोनूमेंट दे नाल। ये वो जगह है जिथे के क्रेडिट दिता गया पंजाबियों नूं उन्हां दीआं जानां दे नजराने पेश करन लई। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी, और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड दा सब तो वड्डा पंजाबी रेडियो।